Welcome to the lecture series on atomic structure, and this is part 13 where we will discuss about the effective nuclear charge and Slater's rule. So in this lecture we will discuss about the calculations of effective nuclear charge. Okay, तो आपका स्वागत है एटॉमिक स्ट्रक्चर की लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम पार्ट 13 पढ़ने जा रहे हैं. और इससे पहले लेक्चर में वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट. और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम स्लेटर्स रूल की हेल्प से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स. स्लेटर्स रूल. सो स्लेटर्स रूल क्या है? तो यहां पर स्लेटर रूल के लिए हमें जानना जरूरी है कि आपने देखा जेड इफेक्टिव क्या होता है. जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू, आपने देखा था, जेड माइनस सिग्मा. तो जेड इफेक्टिव, अगर हमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर निकालना है, तो उसका मतलब है कि मैं अगर न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा जेड इफेक्टिव. तो जो स्लेटर रूल है वो किसके लिए है? इट इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा. ये किसमें हेल्पफुल है? सिग्मा की कैलकुलेशन करने के लिए हेल्पफुल है. तो इस सिग्मा को कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा, we have to write all the electrons in atom until we obtain the group of the electron we want. हम क्या करेंगे एक्चुअली, चलिए ये समझ लीजिए आपकी, हमने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, उस तक हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे उस पर्टिकुलर एटम का. तो मान लीजिए हमें 5s एंड p में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो हम यहां तक इसे लिखेंगे. दूसरा आप देखेंगे ग्रुपिंग हम करेंगे. जैसे हमने ये शेल अलग लिखा है 1s, देन 2s, 2p को अलग लिखा है, देन 3s, 3p को, 3d को हमने अलग लिखा है, देन s और p को साथ लिखा है, क्योंकि s और p के लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो सेम हैं, d के लिए कैलकुलेशन और f के लिए कैलकुलेशन डिफरेंट है. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले इनकी ग्रुपिंग कर देंगे. ओके, s और p को हम साथ रख सकते हैं, d को हमने अलग दिखाया है और f को भी हमने अलग दिखाया. इस तरीके से हम पहले अरेंज कर देंगे ऑर्बिटल्स को. रूल है, अब हम पढ़ेंगे अबाउट फॉर s एंड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे s और p ऑर्बिटल में, उसके लिए स्लेटर रूल की हेल्प से वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा. तो क्या होगा कि जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, जो कि आपको जब हम एग्जाम्पल करेंगे उससे अधिक समझ में आएगा, तो आप ये देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन ns या np ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, तो हम जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे उसको छोड़ दीजिए. उसको छोड़कर मान लीजिए एन एस में दो इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल रहे हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. ऐसे ही अगर हमारे एनपी में जो इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए 6 है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल रहे हैं, बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5. तो वो जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीनिंग करेंगे, तो वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं 0.35 कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स सिग्मा. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ns या np में प्रेजेंट होंगे, तो ये जो रूल्स हैं, दीज आर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सिग्मा. स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं. ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ns या np में, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को 0.35 क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे. बाकी अब आप आ जाइए n माइनस 1 ऑर्बिटल्स में, जो n माइनस 1 ऑर्बिटल्स होंगे वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल कंट्रीब्यूट बाय अ फैक्टर ऑफ 0.85. ओके, और इसके अंदर जो ऑर्बिटल होंगे, जो सारे ऑर्बिटल होंगे बचे हुए, वो n माइनस 2 भी हो सकते हैं, n माइनस 3 भी हो सकते हैं, जो बचे हुए ऑर्बिटल्स हैं वहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे दे विल कंट्रीब्यूट 1
टूवर्ड्स दिस सिग्मा वैल्यू, वो कितना फैक्टर से कंट्रीब्यूट करेंगे, वन फैक्टर से। तो अगर हमें सिग्मा कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि 0.35 इंटू ए, ए कौन से इलेक्ट्रॉन है जो कि एन एस या एन पी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितने दूसरे प्रेजेंट हैं वो नंबर है। देन बी क्या है, बी नंबर है जो एन माइनस वन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, उसको हम 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अंदर के जितने बचे ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो सी हैं, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो आ जाएगा सिग्मा आ जाएगा। सो इफ वी नो द सिग्मा वैल्यू देन वी कैन इजिली कैलकुलेट जेड इफेक्टिव। और अगर हम केवल 1s इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो जो 1s इलेक्ट्रॉन है वो भी 0.30 कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्मा की ओर, तो इसको हम कैलकुलेशन से समझेंगे बच्चों। और अगर कोई ऑर्बिटल उस इलेक्ट्रॉन जिसका हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, अगर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अंदर है, और उसके बाहर भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने हैं क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग नहीं शो करते हैं, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे शो दी दी स्क्रीनिंग इफेक्ट। दस रूल है वो डी या एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन डी या एफ में होंगे तो उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एन डी या एन एफ में है तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनका जो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट की और जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 0.35, एंड जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, अब हम यहां पर और डिवीजन नहीं करेंगे एन माइनस वन, अब हम बाकी जो बचे हुए ऑर्बिटल हैं वो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए सिग्मा की वैल्यू क्या जाती है 0.35 इंटू ए, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एन डी या एन एफ में एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन उनका कंट्रीब्यूशन, और यहां पर जो बाकी जो इनर के जो ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक होता है, जो कि मैं आपको कैलकुलेशन से समझाऊंगी। एग्जांपल आपके सामने है, मैंने अब यहां पर देखिए हमने उसी तरीके से ग्रुपिंग कर दी 1s2 2s2, अब हमने जिंक का एग्जांपल लिया है जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, तो आप देखिए 1s2 2s2 2p6 s और p को हमने साथ ले लिया है, देन 3d देन 4s। अब हम देख रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो 3d है, जो 3d में जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए हम स्क्रीनिंग इफेक्ट जानना चाह रहे हैं, कितना इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, हम डी के लिए निकाल रहे हैं। ओके, तो यहां पर अगर मैं कह दूं कि जो मैं यहां पर देख रही हूं वो सिग्मा डी के लिए देख रही हूं, ओके, तो 3d ऑर्बिटल के लिए हम सिग्मा देख रहे हैं, तो यहां पर आप देखिए मैंने आपसे कहा कि अब डी, अब देखिए जो बाहर का जो ऑर्बिटल है इसमें हम निकालना चाह रहे हैं, और इसके बाहर कौन है 4s ऑर्बिटल, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा क्योंकि ये बाहर का ऑर्बिटल है, हम यहां से काउंट करेंगे जिसका हमें डी इलेक्ट्रॉन की जेड इफेक्टिव निकालनी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 10, ओके, तो हम कितने लेंगे 9, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन नहीं लेने, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो है 9, उनको हम 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जो पूरा अंदर का शेल है इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन, तो इन 18 इलेक्ट्रॉन को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिग्मा कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा 21.15, तो हमें सिग्मा मिल गया। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है एटॉमिक नंबर, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा 30 होगा, तो इसका जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 8.85 आ जाएगा। तो आई थिंक यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। अब आप अंतर देखिए इन दोनों में, यहां पर हम डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का जेड इफेक्टिव निकाल रहे थे, और यहां पर जैसे हमने गैलियम लिया है जिसका एटॉमिक नंबर 31 होता है, यहां पर हम चाह रहे हैं कि हम एस और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का निकालें, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं जेड इफेक्टिव, अभी आप देखेंगे मैं आपको एक एग्जांपल से फिर से दिखाऊंगी। अब यहां पर आप देखिए हम इस जो पिंक कलर के दिखाए हैं आपको, जो एस और पी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्क्रीनिंग इफेक्ट को शो करना चाह रहे हैं। ओके, तो क्या होगा, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है एस और पी में, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए, कितने बचे 2, तो 2 का जो कंट्रीब्यूशन होगा कितना होगा 0.35। अब इसके अंदर कौन है n-1 कौन है, देखिए ये तो एन एस पी ऑर्बिटल है, इसके अंदर n-1 कौन है, जिनका जो n है वो 3 होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 10,
18 इलेक्ट्रॉन से ग्रीन कलर से दिखा 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा 0.85, जो n माइनस वन ऑर्बिटल होंगे उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.85। अब बाकी बचे हुए सारे ले लेने ऑर्बिटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 10 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1। ओके, तो यहां पर 10 × 1 10 इलेक्ट्रॉन है, अंदर के इलेक्ट्रॉन का 1 कंट्रीब्यूशन होगा, जो बीच में इलेक्ट्रॉन है जो n माइनस वन है वो सारे इलेक्ट्रॉन ले लिया, उनका कंट्रीब्यूशन 0.85 है। फिर हमने जो बाहर के इलेक्ट्रॉन उनमें से एक कम किया तो वो क्या आ जाएगा 0.35 उनका कंट्रीब्यूशन होगा। इस तरीके से आप देखेंगे 26 इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 31। सो इट्स दिस जेड इफेक्ट, जेड न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा 31, तो इसका जेड इफेक्टिव कितना आ गया 5। तो इन ऑर्बिटल यानी 4s और 4p में अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका जेड इफेक्टिव कितना आएगा 5, अगर वो 31 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कितना डिफरेंस है। अगर मैं डी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूं तो कुछ और फॉर्मूला है, अगर मैं 4s और 4p के लिए निकालूं तो कुछ और फॉर्मूला है। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे एक इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अगर एग्जांपल ले रही हूं आयरन का आपके सामने, जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो उसके हर इलेक्ट्रॉन को हम हर इलेक्ट्रॉन का उसका जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। ओके, अब हम सबसे पहले 4s जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका हम जेड इफेक्टिव निकालना चाह रहे हैं, तो सिग्मा क्या निकलेगा देखिए 4s का, एक तो ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो एक हटा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 0.35। फिर n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन है, सो 14 × 0.85, और बाकी बचे हुए अंदर इलेक्ट्रॉन कितने 10 × 1.0, तो देखिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 22.25, और जेड इफेक्टिव कितनी आ जाएगी अगर मैं 26 में से 22.25 घटाऊं तो 3.75 जेड इफेक्टिव, यानी 4s में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है 3.75, जबकि उसको कितना इफेक्ट फील करना चाहिए था 26। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे शेल्स हैं और इन सेल्स की स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ये इतना दूर चला गया है कि इसका जेड इफेक्टिव केवल 3.75 आया है, जबकि इसको 26 फील करना चाहिए था। देख रहे हैं, अब आप देखिए इस 3d ऑर्बिटल का अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 3d ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को 0.35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी एक ग्रुप होगा क्योंकि ये 3d ऑर्बिटल है, तो ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 × 1 बीच में कुछ नहीं होगा। यहां पर आप देखिए जेड इफेक्टिव कितना आ गया 6.25, कितना 26 − 19.75। अब अगर हम 3s और 3p इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना चाहें तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 7 रह गए, 7 × 0.35। अब अंदर के इलेक्ट्रॉन n-1 कौन है 8 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2s2 2p6 8 × 0.85, और इनर में कितने 2 इलेक्ट्रॉन 2 × 1, सो जो सिग्मा है वो 11.25 एंड जेड इफेक्टिव 14.75। अब अगर हम 2s और 2p इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालें तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 × 0.35, और अंदर एक 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 0.85, तो जेड इफेक्टिव कितना आ गया 21.85। अगर हम 1s2 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहें जेड इफेक्टिव, तो 1s के लिए क्या है, मैंने आपसे कहा था कि जो 1s में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर केवल 1s की बात कर रहे हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन भी 0.30 होता है, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.30, और इसका जेड इफेक्टिव कितना होगा 25.70। तो आप देखिए जो सबसे अंदर इलेक्ट्रॉन है वो भी 26 फील नहीं कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज, वो कितना फील कर रहा है 25.70, मतलब ये जेड इफेक्टिव है एक्चुअल में, ये इतना फील कर रहा है। इसके बाहर के ऑर्बिटल को देखिए, इसके इलेक्ट्रॉन 21.85 फील कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ये न्यूक्लियस के नजदीक है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे आप देखिए जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के नजदीक नहीं आने दे रहे, तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो गया, इसलिए जो इफेक्ट जो उसको फील करना चाहिए था वो क्या हो गया कम हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज, स्क्रीनिंग जो है सॉरी जेड इफेक्टिव क्या हो रही है कम हो रही है, स्क्रीनिंग बढ़ रही है। देखिए इस इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग सबसे अधिक है, सबसे अधिक रिपेल हो रहा है,
इसलिए ये जेड इफेक्टिव सबसे कम फील कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो जो ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस से दूर होंगे उनका जेड इफेक्टिव उतना ही कम होगा। देखिए दूर है तो इसका जेड इफेक्टिव कम है, 1s नजदीक है तो इसका जेड इफेक्टिव अधिक है। तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जिस अगर किसी ऑर्बिटल का जेड इफेक्टिव ज्यादा आ रहा है मतलब वो न्यूक्लियस के पास है, अगर जिस किसी का जो जेड इफेक्टिव इट इज लेस देन इट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये जो है वो न्यूक्लियस से क्या है दूर है। तो इसके बेसिस पर हम बहुत कुछ बता सकते हैं जो आप अभी देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम क्या डिस्कस करेंगे, वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन पीरियोडिक टेबल। तो हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या क्या वेरिएशन है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप ये देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिसको हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, इसीलिए जो साइज है वो छोटा होता जाता है, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन का मतलब साइज विल इंक्रीज। तो ज्यादातर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, उसको हम डाटा के साथ देखेंगे। हम एप्लीकेशंस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखें, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वन एप्लीकेशन क्या है, साइज ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इसमें हमें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के साइज के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर मैं कार्बन को देखूं, देखिए कार्बन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो कन्फिग्रेशन है 2p2 और नाइट्रोजन में जो कन्फिग्रेशन है 2p3। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर sp इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं sp इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कार्बन के केस में देखिए चार इलेक्ट्रॉन है यहां पर, तो 3 से मल्टीप्लाई किया है हमने 0.35 को, और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 0.85, तो सिग्मा क्या आ गया 2.75। सो जेड इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 3.25, जेड इफेक्टिव कितना हो गया 3.25। अगर मैं नाइट्रोजन को देखूं तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है इसलिए वी हैड मल्टीप्लाइड दिस 0.35 बाई 4। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर ऑर्बिटल में तो 2 × 0.85, तो ये 3.1 आया। जेड इफेक्टिव कितना हो गया 3.9। तो जेड इफेक्टिव देखिए जब हम कार्बन से नाइट्रोजन की ओर गए तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ है, यानी जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ है मतलब अट्रैक्शन बढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस की ओर, इसलिए क्या होगा देखिए छोटा होगा। तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आप ये देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज विल डिक्रीज क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो अब आप देखिए इन दोनों में अंतर कितना है, 0.65 का अंतर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है, कितना है 6, ओके। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और नाइट्रोजन का है 7, ओके। तो कितने से इंक्रीज हुआ, 1 एटॉमिक नंबर कितने से इंक्रीज हुआ, यानी आप कह सकते हैं जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितने से इंक्रीज हुआ, 1 से। जेड में कितने से इंक्रीज हुआ, 1 से। और अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ा है, 2s 2p में बढ़ा है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन 2p में बढ़ा है मतलब 2p के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.35, ओके। और हम जानते हैं कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। तो जेड तो बढ़ रहा है 1 से और सिग्मा बढ़ रहा है 0.35 से, तो इसका मतलब है कि जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा, 0.65 से बढ़ेगा, 1 − 0.35। तो जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज हो रहा है कितने से, 0.65 से। अगर हम C से N की ओर जाएं तो 0.65 जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और आगे बढ़े N से O की ओर जाएं तो जेड इफेक्टिव 0.65 बढ़ेगा। सो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप देखेंगे पर एलिमेंट जो इंक्रीमेंट है जेड इफेक्टिव का वो है 0.65,
ठीक है, तो जब ये जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसीलिए एटॉमिक साइज एलिमेंट्स का डिक्रीज होता है। तो ये बार बार याद रखिए कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो 0.65 से इंक्रीज होता है, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस की ओर, एनहेंस द साइज विल डिक्रीज। इंडिकेशन है इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हेल्प से हम साइज ऑफ कैटाइन्स एंड एनायंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैटाइन के बारे में डिस्कस किया है, सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 ओके। तो यहाँ पर s इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिग्मा आएगा, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो सिग्मा आएगा वो 8.8 आएगा एंड जेड इफेक्टिव विल इक्वल टू 2.2 ओके। अब अगर मैं Na+ को देखूं, Na+ में देखिए 3s1 से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे किसके लिए निकालना है, जेड इफेक्टिव इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 7 × 0.35, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 × 0.85, तो ये जो सिग्मा की वैल्यू 4.15 आ गई एंड जेड इफेक्टिव विल बिकम इक्वल टू 6.85। तो ये हमारे पास प्रमाण है। देखिए ये जो प्लस हो गया, प्लस होने से क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा यानी अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज विल डिक्रीज। इसलिए जो पेरेंट एटम था, पेरेंट एटम क्या था, सोडियम, चाहे सोडियम लीजिए चाहे सोडियम प्लस लीजिए, दोनों का ही जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 11 रहेगा, लेकिन जो उसका सिग्मा है दैट विल चेंज, तो इसलिए जो पेरेंट एटम है उसका साइज बड़ा होता है और जो कैटायन होता है उसका साइज छोटा होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। सो एटॉमिक साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज कैटायन हैज लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड मोर अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द सोडियम एटम। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे एनायन का। देखिए क्लोरीन का एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो क्लोरीन का जो जो एटॉमिक नंबर है 17 है और उसकी हेल्प से जब हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा की वैल्यू 6.1 आती है। अगर हम Cl- की कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पर 5.75 है, तो आप देखिए जो Cl- है वहां पर जेड इफेक्टिव 5.75 और जो Cl है उसके लिए 6.1 है कि जब ये एनायन में कन्वर्ट होता है तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाता है। सो एटॉमिक साइज ऑफ एनायन इज लार्जर, एनायन का साइज क्या होगा, लार्जर होगा देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज एनायन हैज लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए एनायन का न्यूक्लियर चार्ज कम है और पेरेंट एटम का अधिक है, तो कम न्यूक्लियर चार्ज कम अट्रैक्शन, एंड कम अट्रैक्शन अगर होगा सो इट हैज लेस अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू द क्लोरीन एटम। कम अट्रैक्शन होगा तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो जितना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उतना कम अट्रैक्शन और उतना बड़ा साइज। केशन अगर हम देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, दैट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हम कोरिलेट कर सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हेल्प से। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब चार्ज बढ़ रहा है न्यूक्लियस का, तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको आसानी से अट्रैक्ट करेगा। तो जितना अधिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, तो जितना अधिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना अधिक इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा।
फैक्टर क्या है, वेरिएशन इन द सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू को भी हम डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि आप जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। तो जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो मतलब कैटायन में कन्वर्ट होना मेटल का या एलिमेंट का। तो देखिए, अगर पहली आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो ये इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो थ्री पॉजिटिव चार्ज होंगे। आप जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि एम को इतना एनर्जी देना कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाए और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से निकल जाए। तो ये प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्लस में कन्वर्ट होने का मतलब एम एम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आप देखिए उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, छोटा साइज हो जाएगा। देखिए एम प्लस है, इसका साइज उतना छोटा नहीं होगा जितना एम टू प्लस का होगा, एम थ्री प्लस का साइज सबसे छोटा होगा, जितना छोटा साइज उतना अधिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जितना अधिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना अधिक अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का, और जितना अट्रैक्शन उतना मुश्किल है उसको बाहर निकाल पाना उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, तो इसीलिए जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो बढ़ती हैं, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन को निकालना और टफ होता जाता है। एप्लीकेशन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, वो क्या है कि जो 4s ऑर्बिटल है वो पहले फिल होता है 3d ऑर्बिटल से। पोटेशियम का अगर हम एग्जांपल लें तो हम ये देखेंगे कि क्यों 4s ऑर्बिटल पहले फिल हो रहा है और 3d बाद में। वैसे हम जानते हैं कि अपबाउ का रूल तो हम जानते ही हैं, तो ये तो अपबाउ के रूल के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंसेप्ट ऑल्सो। तो देखिए पोटेशियम को अगर हम लें कि ये तो 18 इलेक्ट्रॉन है, जो 19th इलेक्ट्रॉन है वो अगर 4s में जाए तो क्या होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन 3d में जाए तो क्या होगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन 4s में होगा तो ऐसे कैलकुलेशन होगी, देखिए 4s में तो 0 कंट्रीब्यूशन, 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 1 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 0.85 से मल्टीप्लाई होगा, और यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप देखेंगे जेड इफेक्टिव विल बिकम इक्वल टू 2.2। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो 19th इलेक्ट्रॉन है अगर ये 3d ऑर्बिटल में जाता तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये 0 से 0.35 को मल्टीप्लाई करें और पूरे इनर को हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए जो जेड इफेक्टिव आएगा वो 1 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जेड इफेक्टिव अधिक है और यहाँ पर जेड इफेक्टिव कम है, तो जेड इफेक्टिव अधिक आपने देखा था, जेड इफेक्टिव अधिक मतलब अंदर है ऑर्बिटल, मतलब उसकी एनर्जी कम है, जो ऑर्बिटल अंदर होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अंदर कौन होंगे, जिनका जेड इफेक्टिव अधिक होगा। तो इसका मतलब है कि जिसका जेड इफेक्टिव अधिक होगा वो अंदर का ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी कम है, इसलिए वो पहले फिल होगा और 3d बाद में। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले 4s में जाते हैं फिर 3d में एंटर करते हैं। एप्लीकेशन इज दैट विद द हेल्प ऑफ दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वी कैन एक्सप्लेन द रिमूवल ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एज कम्पेयर टू द 3d इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों कि क्यों एक ट्रांजिशन एलिमेंट के 4s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव आसानी से होता है बजाय 3d ऑर्बिटल के। ओके, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मैग्नीज है, मैग्नीज का हमने ये समझाने की कोशिश करी है। देखिए यहाँ पर दो ऑर्बिटल फील्ड है, एक 3d और एक 4s। ओके, अब हम यहाँ पर 4s के लिए अगर जेड इफेक्टिव निकालना चाहें तो 4s के लिए अगर हम जेड इफेक्टिव निकालें तो ये हमने दिखाया है, देखिए दो इलेक्ट्रॉन है तो एक से मल्टीप्लाई किया हमने 0.35 को, देन ये n माइनस 1 कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 13 × 0.85, देन यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 × 1, तो जेड इफेक्टिव कितना आ गया 3.6। ओके,
नाउ अगर हम 3D ऑर्बिटल के लिए जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करना चाहे तो 3D, देखिए 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे और उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनर ऑर्बिटल सारे 18 के 18 ले लिए, 1 से मल्टीप्लाई करिए, जेड इफेक्टिव कितना आ गया 5.6। तो जेड इफेक्टिव किसका अधिक है, 3D ऑर्बिटल का। 4s ऑर्बिटल का जो जेड इफेक्टिव है कितना है, 3.6। तो यहां पर देखिए जेड इफेक्टिव किसका अधिक है, 4s का, 4s का जेड इफेक्टिव कम है, मतलब वो न्यूक्लियस से दूर है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है क्योंकि यहां पर जेड इफेक्टिव कम है और इसका मतलब ये न्यूक्लियस से कम अट्रैक्टेड है, और जिसका जेड इफेक्टिव अधिक है ये न्यूक्लियस से अधिक अट्रैक्टेड है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में 4s में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं और 3d से उतनी आसानी से नहीं निकल सकते। तो ये हम किस पर बेस्ड बता सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने पढ़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कैसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को स्लेटर्स रूल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड वी आल्सो स्टडीड अबाउट देयर एप्लीकेशंस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की एप्लीकेशंस हमने पढ़ी और आपने देखा कि स्लेटर रूल जो है वो सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स जो एस में और पी में थे उनके लिए अलग था और जो डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स थे उनके लिए अलग था, और अगर हम जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं एटॉमिक साइज ऑफ दी एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक साइज को डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा, जबकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है दूर जाना, रिपेल करना, इसलिए साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैटायंस एंड एनायंस, तो कैटायन का साइज जो है वो अपने पेरेंट एटम से कम होता है, छोटा होता है, और एनायन का साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन बता सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल आल्सो इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि अट्रैक्शन बढ़ना है, अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब अट्रैक्ट करना। आपने देखी कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो कैसे बढ़ती जाती हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपने देखा कि हम ये बता सकते हैं कि क्यों पोटेशियम एटम के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले 4s में जाते हैं, 3d में नहीं जाते। इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाई द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम 4s ऑर्बिटल नॉट फ्रॉम 3d ऑर्बिटल्स, एंड दैट ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अबाउट द स्लेटर्स रूल, हाउ वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो थैंक यू वेरी मच।